please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हरियाणा के अंबाला के सराफा बाजार में मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ बदमाश ज्वेलरी की एक दुकान में एक आदमी के साथ मारपीट करने लगे। पुलिस का दावा है कि सभी बदमाश लूट के इरादे से दुकान में दाखिल हुए थे और दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। लूट की कोशिश की ये वारदात दुकान के अंदर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि मुंह पर कपड़ा बांधे तीन बदमाश लूट के मकसद से ज्वेलरी की एक दुकान में दाखिल हुए, जिन्हें देखकर दुकान का मालिक उनके इरादों को समझ गया और बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक बदमाश ने दुकानदार के बेटे पर पिस्तौल तान दी और उसके साथ मारपीट करने लगा। लेकिन बदमाशों के हमले के बाद दुकान का मालिक दुकान के बाहर जमा हुए लोगों को आवाज लगाकर उन्हें मदद के लिए बुलाने लगा। इतने में दो और बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हो गए, जिनमें एक बदमाश ने दुकान के मालिक पर हमला कर दिया और उसके सिर पर पिस्तौल का बट मारने लगा। इसके बाद भी दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी और वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता रहा। दुकान के मालिक के शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए और वो वहां से रफू चक्कर हो गए। सराफा बाजार में सरेआम हुई इस वारदात के बाद कारोबारियों ने घटना का विरोध किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर ट्वीट कर चुटकी लेते हुए कहा कि 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरेगी, और अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कहा कि बिहार हमेशा से पिछड़ेपन का शिकार रहा है, इसीलिए वो विशेष राज्य और विशेष सहायता का हकदार है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, हमारे भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी राज्यों को भरपूर मदद की है। इरीगेशन में हो, रोड सेक्टर में हो, हेल्थ सर्विसेज में हो, एजुकेशन में हो, आईआईटी खोलने में हो, पर स्पेशल स्टेटस की प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और दूसरा, एक राज्य को दिया तो सभी मांगेंगे। देखो, हम उस समय अपोजिशन पार्टी में थे, आज रूलिंग पार्टी में है। देखिए, कुछ समय वो बातें के बारे में आप चुपचाप रहते तो लोग बोलते सपोर्ट करते हैं। देखिए, एक बात आपको पूछता हूँ, क्या स्पेशल स्टेटस देना संविधान में संभव है? और एक राज्य को दिया और सभी राज्य मांगेंगे तो क्या देश चला पाएंगे? क्या सेंट्रल को हम सब ने मिलकर मजबूत बनाना चाहिए कि वीक करना चाहिए? सवाल कांग्रेस, बीजेपी और नीतीश कुमार जी के पार्टी का नहीं, सवाल देश का है, सवाल लोकतंत्र का है। और लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास, इसका उपयोग करके राज्य सरकार की जो भी समस्या है, जो भी कमियां है, उसके लिए उनके पीछे रहकर उनको पूरी मदद करना, ये फेडरल गवर्नमेंट का कर्तव्य है। हम उसमें कहीं कम पड़े हैं क्या? त्यागी जी, आपका जो विपक्ष है बिहार में, वो कह रहा है कि आप विशेष राज्य की दर्जे की मांग किससे कर रहे हैं? खुद जाकर के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मुख्यमंत्री बात करते? हमारे जो आरजेडी के मित्र नेता हैं, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम करते हैं। जब यूपीए 2 की सरकार थी और आरजेडी उसके साथ था, उस समय मनमोहन सिंह जी को हमने 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ निवेदन किया था। उन्होंने रघुराम राजन कमेटी बनाई थी, जिसने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद 13वां वित्त आयोग बना, जस्टिस जीएस रेड्डी के, इमन रेड्डी के नेतृत्व, उसने भी इस बात को नकार दिया। तो हमारी मांग ये है कि बंटवारे के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, यद्यपि नेशनल जीडीपी से भी ज़्यादा बिहार की जीडीपी है, राष्ट्रीय जीडीपी भी 7.5 पार नहीं की है और हम 10.5, लेकिन बगैर सरकारी मदद के, बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए बगैर, ये बिहार को एक उन्नत राज्य का सपना हमारा अधूरा है।